नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, और क्या है द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 24, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहला हमें इंफॉर्मेशन है फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 11, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन, क्या लिख सकते हैं, ए फोर इक्वल टू 11, यानी फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज क्या है 11 है। द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म, यानी ए फाइव प्लस ए सेवन का वैल्यू क्या दिया हुआ है इज 24। तब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तब हमें क्या प्राप्त करना है, डी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ए फोर इक्वल टू 11, और जैसा कि एंथ टर्म के फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी ए फोर के स्थान पर इसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमें कोई सीरीज नहीं है, इसलिए फर्स्ट टर्म को एज इट इज ए रहने देते हैं, और चूंकि चौथे टर्म की बात की जा रही है इसलिए फोर माइनस वन, और डी का वैल्यू भी हमें कुछ पता नहीं है इसलिए डी रहने देते हैं इक्वल टू 11, यानी ए प्लस थ्री डी इक्वल टू 11, इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब आइए दूसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या था, कि ए फाइव और ए सेवन टर्म का जो सम है वह क्या है 20 है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन क्या है, ए फाइव प्लस ए सेवन इक्वल टू 24। अब देखिए इस ए फाइव को इसी पैटर्न पर हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होगा हमारा, ए फर्स्ट टर्म पता नहीं है, माइनस एन के स्थान पर क्या आएगा फाइव माइनस वन, और डी भी पता नहीं है तो डी, या किसका वैल्यू हो गया हमारा ए फाइव का, प्लस ए सेवन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन के स्थान पर सेवन माइनस वन इंटू डी, यह हमारा वैल्यू हो गया ए सेवन का, और दोनों का सम कितना दिया हुआ है 24। अभी क्या बन गया हमारा, ए प्लस फाइव फोर डी प्लस ए प्लस सिक्स डी इक्वल टू 24, और कह सकते हैं ए ए क्या हो गया हमारा 2a, और 4d और 6d कितना बन गया हमारा 10d इक्वल टू 24, या 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया a प्लस 5d इक्वल टू 24। अभी 2 से 24 को काट दीजिए तो 12, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आइए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमें चूंकि डी का वैल्यू है तो ए प्रयास करेंगे कि ए कैंसिल हो जाए, तो डी का हमें, तो देखिए टू में से या वन में से एक दूसरे को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, चूंकि वन का वैल्यू कम है तो इसीलिए कर दे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू, सेकंड में से फर्स्ट को, तो सेकंड क्या है इक्वेशन ए प्लस 5d इक्वल टू 12, और वन क्या है हमारा a प्लस 3d इक्वल टू 11, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो यह कैंसिल हो गया, 5d में से 3d चला गया, 2d इक्वल टू 1, इसलिए d इक्वल टू 1 बाय 2।
यानी हमारा आंसर क्या है, कॉमन डिफरेंस हाफ का है।